अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां आम आदमी पार्टी रीवा के जिला अध्यक्ष शहरी राजीव सिंह परिहार ने सुहागी में हुए बस दुर्घटना में घायल व्यक्तियों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह, कलेक्टर रीवा आरटीओ रीवा को दोषी ठहराया। श्री परिहार ने कहा, मुख्यमंत्री कल सतना में थे लेकिन इतने पास होते हुए भी वो घायलों से मिलने रीवा नहीं आ सके। बस में 100 से ज़्यादा सवारी थी और बस रीवा शहर से गुजरी, आरटीओ क्या कर रहे थे। सुहागी रोड पूरी तरह से खराब रोड है और उस रोड में वाहन हिचकोले खाते हुए चलते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा यह मांग की जाती है कि घायलों को 5-5 लाख रुपये और मृतक के परिवार को शिवराज की सरकार द्वारा राहत की राशि तत्काल मुहैया कराई जाए। आम आदमी पार्टी की ओर आज अस्पताल संगठन मंत्री महाश्री सिंह, भैया लाल पटेल, एडवोकेट विजय मिश्र, मान बहादुर सिंह, नितिन तिवारी, राजीव सिंह परिहार शामिल रहे। कहाँ से हैं आप? यूपी। यूपी में कहाँ? अच्छा, बस में कितने लोग सवार थे? 100 से ऊपर थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हैदराबाद से यूपी। कब हुई ये घटना? अच्छा, 10-10:30 बजे के बीच में। कितने लोग उसमें सुरक्षित, मतलब कितने लोग वहाँ ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, कितने लोगों की? सुनने में तो आया, मैं तो उनको इतना मालूम नहीं है, सुनने में कि 14 से 15 लोग डेथ हो गए उनका। अच्छा अच्छा, हाँ। और बाकी के लोगों को बहुत मतलब दिक्कत, चोट भी लग गया वो लोग को। आप लोग यहाँ पे जितने इस वार्ड में एडमिट है, इतने ही लोग थे वहाँ पे घायल? और भी लोग हैं, और भी लोग और दूसरे वार्ड में होंगे, इतने लोग ही बचे हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हैदराबाद से गोरखपुर। बस में कितने लोग सवार थे? 123 आदमी। कितने लोग घायल हुए पूरे उसमें? कितने लोग घायल हुए हम लोग नहीं जानकारी है, हम लोग घायल। जी जी जी, लगभग 15-20 लोग उसमें घायल हुए, ड्राइवर खत्म हो गए। दो दिन पहले बस हादसा हुआ, बस में और ट्रक के बीच में हादसा हुआ, जिसमें से हैदराबाद से नेपाल जा रही बस, गोरखपुर जा रही बस में सवार हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी भाइयों और नेपाल के निवासी भाइयों बहनों के साथ दुर्घटना हुई, जिसमें से 15 लोगों की दुर्घटना से मृत्यु हो गई। और इस त्यौहार में जहाँ वो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई और 100 लोग करीब घायल हुए। सरकार का आंकड़ा कम का है, लेकिन हम लोग आज अस्पताल आए हुए हैं, अस्पताल में जो भर्ती लोग हैं उनसे हम लोगों ने पूछा, उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग जब हैदराबाद से चले तो अपने अपने गंतव्य के लिए चले थे और हैदराबाद से अपन महाराष्ट्र होकर एमपी के बॉर्डर में प्रवेश किए और एमपी के बॉर्डर में प्रवेश करने के बाद जब सुहागी पहुंचे तो वहाँ पर दुर्घटना हुई है। और हैदराबाद से प्रत्येक दिवस सिर्फ एक ही बस गोरखपुर के लिए चलती है, सिर्फ एक बस चलती है। और त्यौहार के उपलक्ष्य में हैदराबाद में काम करने वाले लोग, मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा मात्रा में अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं और बस एक है, इस वजह से वो बस में सवार होकर आने को मजबूर हुए। ट्रांसपोर्ट की सुविधा कम थी और 123 लोग उस बस में सवार थे और वो बस यहाँ रीवा ज़िले से गुजरी, रीवा शहर से गुजरी। आरटीओ रीवा रोड चेकिंग के नाम पर यहाँ पर बस को, ट्रक को रोकते हैं और चेक करते हैं और ये कहते हैं कि हम जो है कायदे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देख के लगता है सिर्फ वो वसूली का काम करते हैं। ऐसा होता 123 लोग सवार थे, गरीबों को हो कि 100 से ज़्यादा सवार थे, तो आरटीओ की ड्यूटी थी कि 55 सीटर बस में, 60 सीटर बस में 100 लोग या उससे ज़्यादा लोग कैसे सवार हैं। तो दुर्घटना का जो कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण, ओवर लोडेड बस थी। और जो सुहागी का रोड है, सुहागी का जो रोड बनाया गया है एमपी स्टेट द्वारा, वो रोड जो है ऊपर नीचे है, अलाइनमेंट उसका सही नहीं है। मतलब आप रफ्तार में अगर कोई बस या वाहन जा रहा है तो वो ऊपर नीचे होके जाएगा, उसका रफ्तार उसका बैलेंस ठीक नहीं रहता। और पहाड़ी एरिया में अगर स्पीड में कोई बस है, थोड़ी सी स्पीड में कोई बस है और ओवरलोडेड है, रास्ता ठीक नहीं है, तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना 100% ज़्यादा रहती है। तो मेरा तो शिवराज सिंह जी से निवेदन है
कि आप कल जो है सतना में आए थे और सतना में आकर आपने अपना भाषण दिया, आपने ये कह के लोगों को प्रसन्न किया कि आप जो है घर में घर का उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों को घर मजे करा रहे हैं, लेकिन नज़दीक जिला हुआ जिला रीवा जो आपके सतना से जुड़ा हुआ है और मुस्लिम का काम करते हैं, ऐसा होता 123 लोग सवाल थे, कई लोगों को 100 से ज़्यादा सवाल थे, तो आरटीओ की ड्यूटी थी कि 55 सीटर बस में 60 सीटर बस में 100 लोग या उससे ज़्यादा लोग कैसे सवाल हैं। तो दुर्घटना का जो कारण है सबसे महत्वपूर्ण कारण ओवरलोडेड बस थी, और जो सुहागी का रोड है, सुहागी का जो रोड बनाया गया है एमपी स्टेट द्वारा, वो रोड जो है ऊपर नीचे अलाइनमेंट उसका सही नहीं है, मतलब आप रफ्तार में अगर कोई बस गया वाहन जा रहा है तो वो ऊपर नीचे होके जाएगा, उसका रफ्तार उसका बैलेंस ठीक नहीं रहता, और पहाड़ी एरिया में अगर स्पीड में कोई बस है, थोड़ी सी स्पीड में कोई बस है और ओवरलोडेड है, रास्ता ठीक नहीं है, तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना 100% ज़्यादा रहती है। तो मेरा तो शिवराज सिंह जी से निवेदन है कि आप कल जो है सतना में आए थे और सतना में आकर आपने अपना भाषण दिया, आपने ये कह के लोगों को प्रसन्न किया कि आप जो है घर में घर का उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों को घर मजे करा रहे हैं, लेकिन नज़दीक जिला हुआ जिला रीवा जो आपके सतना से जुड़ा हुआ है और मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी थी, और यहाँ पर 100 लोग बस से दुर्घटना होकर घायल होकर गंभीर हालत में भर्ती थे, और आपने 5 मिनट का समय नहीं निकाला कि आकर उनका जाके हालचाल जान लेते, उनका कैसे उपचार हो रहा है ये जान लेते, तो आपने उनके लिए 5 मिनट का समय नहीं निकाला, आप आ सकते थे। तो सुख शिवराज सिंह जी आरटीओ लोगों को बहाल किए हुए हैं, खुली छूट दे रखे हैं, वसूली करो आप, आरटीओ को आप कोई नियंत्रण नहीं है, कलेक्टर महोदय के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। कल शिवराज सिंह जी के कार्यक्रम में जाने के लिए जिस बस का यूज किया गया था, जिस बस में लोग जा रहे थे उनके कार्यक्रम में, उस बस ने 2 लोगों को राउंड दिया, एक बेटे और एक माँ की मौत हो गई। तो आप सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए बसों का उपयोग करते हैं, लोगों का उपयोग करते हैं, तो मेरा शिवराज सिंह जी से निवेदन है कि आप इस रोड को जिस ठेकेदार ने बनवाया है उसकी मरम्मत कराइए, उसका मरम्मत करा के उसके जो बैलेंस है रोड का, अलाइनमेंट रोड का है, वो सही कराइए, और जो दुर्घटना से घायल हुए हैं उनकी क्षतिपूर्ति राशि कम से कम 5 लाख रुपए से ऊपर दिलवाइए, और जो मृत्यु हुई है जिनको उनको कम से कम 20 लाख से ऊपर की रकम दिलवाइए। ये मजदूर व्यक्ति हैं, इनकी आश्रय का सहारा ही मजदूरी है, अगर इनका पांव टूट गया, हाथ टूट गया, तो आने वाले भविष्य में मजदूरी कैसे करेंगे।